हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, मेरा नाम है शशांक कौरव और इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2017 में कौन कौन सी फेमस बुक्स पब्लिश हुई और उनके ऑथर्स या लेखक के नाम क्या क्या हैं। ठीक है, ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो UPSC हो, SSC हो, PSC हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि आजकल लगभग सभी एग्ज़ाम्स में बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम पूछे ही जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को यदि पूरे अच्छे से लाभ लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बहुत अच्छे से देखें। मैंने इसमें पिक्चर्स का भी यूज़ किया है और बहुत एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको दूंगा। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन की शुरुआत हम करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बुक से, युग पुरुष भारत रत्न अटल जी। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये बहुत अच्छे लेखक हैं, इन्होंने ये बुक लिखी है अटल जी के ऊपर। इसमें काफ़ी बातें की गई अटल जी के जीवन के ऊपर, उन्होंने क्या क्या काम किए या उनका क्या उद्देश्य था, कौन से काम के लिए, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। अब चूंकि अटल जी की बात आ गई तो मैं आपको 4 लाइन उनकी सुना देता हूँ, आपको बहुत अच्छी लगेंगी वो लाइन। देखिए, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएँ आती हैं आएँ, घिरे प्रलय की घोर घटाएँ, पाँवों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएँ, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत अच्छी लाइनें इन्होंने लिखी और बहुत अच्छी अच्छी कविताएं इनकी हैं। और इनको अभी 2016 में भारत रत्न मिला था। आपको मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना होगा कि इनके साथ किस एक और व्यक्ति को भारत रत्न मिला था इनके साथ में। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बुक देखते हैं, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आर। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी है सूर्य प्रकाश जी ने और इसका कवर पेज आप साइड में देख रहे हैं, द इमरजेंसी इंडियन डेमोक्रेसी डार्केस्ट आर। सबसे मतलब बेकार पल थे ये इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए। और इमरजेंसी का आपको पीरियड बता देता हूँ जो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। ये लगी थी इमरजेंसी 25 जून 1975 को लगी थी और ये 21 महीने का पीरियड था। ठीक है, लगभग 2 साल का 21 महीने का पीरियड था। तो 1975 से लेकर 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी, जो कि इंदिरा गांधी ने लगाई थी। राइट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर। ये बुक किसने लिखी है? अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह, ये लिखी है सौरभ दुग्गल ने। महावीर सिंह, अभी आपको ये पता होगा क्योंकि इन पर अभी दंगल मूवी बनी थी जिसमें आमिर खान ने इनका रोल निभाया था। राइट, इनकी 4 बेटियाँ जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। तो ये महावीर सिंह की जीवनी के ऊपर ये लिखी गई है, उनके ऊपर ये बुक लिखी है सौरभ दुग्गल जी ने। और जो आप ये पर्सन देख रहे हैं महावीर सिंह, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका है भारत सरकार की तरफ से। तो ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये नाम रखना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बुक है द पीपल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बुक है और ये लिखी है SM खान ने। SM खान वो व्यक्ति हैं जो कि उनके साथ मतलब APJ अब्दुल कलाम के साथ हमेशा रहे हैं। ये उनके लास्ट जब उनका स्वर्गवास हुआ था तब भी उनके साथ में थे। ये उन्होंने बुक लिखी, इसका कवर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक IAS ऑफिसर हैं जिनके साथ में रहे थे। इन्होंने इस बुक्स में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं APJ कलाम साहब के ऊपर। उन्होंने 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो इन्होंने लिखी हुई है। उसमें ये लिखा है कि जो कलाम साहब थे वो गीता और कुरान दोनों बुक एक साथ पढ़ते थे। ठीक है, दोनों बुक पढ़ते थे। और इन्होंने क्या किया था, जो प्रेसिडेंट की सीट होती है, कहीं भी यदि फंक्शन हो रहा है तो प्रेसिडेंट की सीट हमेशा ऊंची होती है। ठीक है, बड़ी रखी जाती है। तो इन्होंने बोला था कि सबके बराबर में मेरी सीट को रखा जाए, ये प्रथा इन्होंने समाप्त कर दी थी क्योंकि सबको बराबर में रखा जाए। ये अपने अशोक को, अल्बर्ट आइंस्टीन को बहुत ज़्यादा मानते थे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, अमरिंदर सिंह बायोग्राफी द पीपल्स महाराजा। ये बुक किसने लिखी? तो ये बुक लिखी है खुशवंत सिंह ने। इसका कवर पेज आप साइड में देख सकते हैं, ये है। ठीक है, ये लिखी है खुशवंत सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर्स डू लाई 61 हिडन क्रिकेट स्टोरीज। नंबर्स डू लाई 61 हिडन क्रिकेट स्टोरी बुक लिखी है आकाश चोपड़ा ने। ये फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत पहले क्रिकेट खेला था और छोड़ चुके हैं। तो इन्होंने इसमें कुछ स्टोरीज लिखी हुई हैं क्रिकेट के ऊपर। ये बहुत अच्छी बुक है इन्होंने जो लिखी है। ठीक है, तो आपको याद रखना आकाश चोपड़ा ने नंबर्स डू लाई बुक लिखी है। नेक्स्ट देखते हैं, खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। तो ये लिखी है ऋषि कपूर ने, चूँकि नाम में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बुक उन्होंने अभी रिसेंटली ही लॉन्च की है। ठीक है, तो ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है, खुल्लम खुल्ला। सिर्फ इतना नाम लिख के भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, बीरप्पन चेसिंग द ब्रिगेंड। ये तो बहुत लोग जानते होंगे बीरप्पन कौन था। बीरप्पन डाकू था और इस पर सरकार ने जो है बहुत सारा इनाम रखा हुआ था, बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो बीरप्पन जो है, बीरप्पन चेसिंग द ब्रिगेड, ये लिखी है श्री विजय कुमार ने। ठीक है, इसका कवर पेज आप, ये कवर पेज मैंने इसलिए इसमें ऐड किए हुए हैं जिससे कि आपको देखकर
जो है याद रहे कि किसने बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी, माई स्टोरी बुक किसकी है? अभी ये पूछा भी गया था एग्ज़ाम में, एक पुरानी बुक भी है माई स्टोरी नाम से, ठीक है, तो वो किसी और ने लिखी है, लेकिन अभी जो एग्ज़ाम में पूछा गया था वो ये है कि माई स्टोरी बुक किसने लिखी है, तो ये लिखी है माइकल क्लार्क ने, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रह चुके हैं और इनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप भी जीता था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनकी बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, माई स्टोरी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन रेलवे इज द विंग ऑफ अ नेशनल टेपेस्ट्री, ये लिखी है विवेक डेब्रॉय, श्री संजय चड्ढा और मिस्टर विद्या कृष्णानुमूर्ति, राइट। ये तीन लोगों ने लिखी है, विवेक, संजय एंड विद्या ने, राइट। ये बहुत मतलब ये ऑफिसर्स लोग हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, इन्होंने बुक लिखी। इनका मतलब, इनका बुक में कहने का मतलब ये था, चूँकि नाम में ही इसमें दिख रहा है द व्यूइंग ऑफ नेशनल टेपेस्ट्री, तो इन्होंने ये बोला है कि मतलब जो इंडियन रेलवे है उसकी आप जो पटरियां देखेंगे, यदि आप उनको देखते हैं तो वो इतनी सुंदर दिखाई देती है, मतलब उनका जो सिस्टम है वो ऐसे गोल गोल घूम के, राइट, तो बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, तो उसके ऊपर ये बुक है और भी इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट्स लेडी, ये बुक लिखी है संगीता घोष ने, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो है अनावरण किया था, ये किया था हमारे प्रणब मुखर्जी जी ने राष्ट्रपति सामने, राइट। अभी तो राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, हमारे नए राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ठीक है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, प्लेइंग विथ फायर, प्लेइंग विथ फायर लिखी है कैटी प्राइस ने, जिसको आप बाजू में कवर पेज देख रहे हैं, ये लिखी है कैटी प्राइस ने, प्लेइंग विथ फायर। नेक्स्ट देखते हैं, फ्लेमिंग ट्रीसेस ऑफ द्रौपदी, ये बुक लिखी है बीरप्पा मोइली ने, तो आप इसका कवर पेज देख सकते हैं, यहाँ पर साइड में इसका कवर पेज दिया हुआ है, तो फ्लेमिंग ट्रीज ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी बुक लिखी है बीरप्पा मोइली ने। नेक्स्ट देखते हैं, होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी एंड इंडियन नैरेटिव, ये बुक लिखी है डॉक्टर अश्विनी कुमार ने, जिसमें आप साइड में देखते हैं इनकी इमेज भी यहाँ पर दी हुई है, तो ये बुक लिखी है डॉक्टर अश्विनी कुमार ने, होप इन अ चैलेंज डेमोक्रेसी एंड इंडियन नैरेटिव। नेक्स्ट देखते हैं, मातोश्री, मातोश्री बहुत फेमस बुक है, अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है और ये लॉन्च की है सुमित्रा महाजन जी ने, इसके लेखक है सुमित्रा महाजन, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी, प्रणब मुखर्जी सब उपस्थित थे इनके अनावरण में जब ये बुक लॉन्च की गई थी। सुमित्रा महाजन जो हैं वह भी लोकसभा की स्पीकर हैं और ये इंदौर की रहने वाली हैं, इनको ताई के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों की चहेती बोलना चाहिए, क्योंकि ये कभी चुनाव हारी ही नहीं थी, राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं, आशा पारेख द हिट गर्ल, आशा पारेख को हर कोई जानता है, चाहे वो आज की जनरेशन हो या पहले की हो, राइट। तो ये आशा पारेख जो है वो इंडियन एक्ट्रेस हैं, ठीक है, बहुत फेमस, तो इनके ऊपर बुक है आशा पारेख द हिट गर्ल और ये लिखी है खालिद मोहम्मद ने, ये आप साइड में देख सकते हैं, ये आशा पारेख जी हैं, राइट, तो ये बुक लिखी है खालिद मोहम्मद ने। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियाज इंदिरा सेंटेनियल ट्रिब्यूट, तो ये लिखी है बुक आनंद शर्मा ने, एडिटर हैं इसके आनंद शर्मा, ये बुक जो है इंडियन कांग्रेस ही लॉन्च करती है इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि ये इंदिरा गांधी के ऊपर ये बुक है, राइट, तो ये लिखी आनंद शर्मा ने, आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि ये बुक पूछी जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, मेटाफिजिक्स मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, ये लिखी है अमल कुमार मुखोपाध्याय ने, आप साइड में इसका कवर देख सकते हैं, राइट, ये अमल कुमार मुखोपाध्याय जी ने लिखी है मेटाफिजिक्स मोरल एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट बुक देखते हैं, MS स्वामीनाथन द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर, तो MS स्वामीनाथन जो है हमारे देश की बहुत प्रसिद्ध हस्ती हैं, जो ग्रैंड रिवॉल्यूशन हुआ था उसके इनको जनक कहा जाता है, पिता बोला जाता है ग्रैंड रिवॉल्यूशन के, इस साइड में आप कवर पेज देख रहे हैं, इसी बुक का है MS स्वामीनाथन द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर, राइट। और इन्होंने क्या किया था, एक मैक्सिको से एक जो है बीज लेकर आए थे और पंजाब से, दो जगह से उन्होंने बीज को मिलाया और एक संकर नाम की जो है गेहूं की जो है एक नई किस्म तैयार की थी, ठीक है, इसके लिए फेमस है और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, MS स्वामीनाथन द क्वेस्ट फॉर अ वर्ल्ड विदाउट हंगर, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के पिता, मतलब हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया 2017 ईयर बुक, ये लिखी है राजीव महर्षि ने, जिसका आप कवर पेज देख रहे हैं, तो राजीव महर्षि ने लिखी है इंडिया 2017 ईयर बुक, इंडिया में जो जो चीज़ें हुई 2017 का 2016 का उसने पूरा इसमें कवर किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कंपैरेटिव एंड इंटरनेशनल परस्पेक्टिव्स, ये बुक लिखी हुई है सी राजकुमार ने, जिसका आप साइड में कवर पिक देख रहे हैं, राइट, तो ये लिखी है सी राजकुमार ने। नेक्स्ट देखते हैं, विनिंग लाइक विराट थिंक एंड सक्सेस सक्सीड लाइक कोहली,
तो ये बुक लिखी है अहिरु भट्टाचार्य ने, एक साइड में देख रहे हैं, विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली। ठीक है, ये बुक का मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है, ठीक है, अच्छी ही बुक होगी, विराट कोहली के ऊपर है जो कि अभी बहुत ज़्यादा सफल कैप्टन भी है, इनको अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट कैप्टन का ICC की तरफ से, राइट। अभिरूप भट्टाचार्य ने ये विराट कोहली जी के ऊपर बुक लिखी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्चिंग विथ अ बिलियन एनालाइजिंग नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट एट मिड टर्म, ये बुक लिखी है उदय महूर करने, ये बुक लिखी गई है नरेंद्र मोदी जी के जो अभी काम किया उन्होंने उसके ऊपर लिखी है बुक, और बहुत सारी चीज़ें इसमें जो हैं आपको नई जानने के लिए मिलेंगी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर और उनके काम के बारे में, राइट। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बैरन एंड लुथियन, ये बुक लिखी है JRR टोलकियन ने, इतनी इंपॉर्टेंट बुक नहीं है लेकिन आप इसके बारे में सुन सकते हैं, हो सकता है एग्जाम में पूछ ली जाए इसलिए मैंने इसको ऐड कर लिया है इसमें। अभी नेक्स्ट देखते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये तो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बुक, ठीक है, अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में भी ये पूछी गई थी, तो ये लिखी है अरुंधति रॉय ने, और अरुंधति रॉय ने ये बुक लिखी, इसका कवर पेज आप साइड में देख रहे हैं, अरुंधति रॉय जो है वो उनको बुकर प्राइज़ मिल चुका है जो कि लेखन शैली में सबसे बड़ा प्राइज़ जिसको बोला जाता है, और इनको जो बुकर प्राइज़ मिला था वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बुक के लिए मिला था, तो ये मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यहाँ पर लिखा हुआ भी है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मैन बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है, इसको आपको याद रखना ज़रूरी है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, द क्राइसिस विद इन लिखी है गणेश दिवाई ने, राइट। नेक्स्ट बुक देखते हैं, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर लिखी है जयराम रमेश ने, ये जो है आंध्र प्रदेश से सांसद हैं, ठीक है, इंडियन कांग्रेस की तरफ से, ये इसका बुक का कवर पेज है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर जयराम रमेश। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ फेमस बुक्स और उनके ऑथर्स, ये मैंने बहुत सिलेक्टेड बुक्स आपको बताई हैं जो कि एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछी ही जा सकती हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों को बताइए, और वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। तो थैंक यू, जय हिंद।